विज्ञान का इकाई 3 जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, तापमान और रोगी की देखभाल को पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा, तापमान और रोगी की देखभाल। किसी मनुष्य के बीमार हो जाने पर उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। रोगी को देखने वाले व्यक्ति या परिचारिका को रोगी के बारे में समय समय पर घटने वाली रोग संबंधी प्रत्येक बात को लिखकर रखना चाहिए। अपने याद शक्ति या स्मरण शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिना लिखे कुछ ना कुछ भूल जाने की अक्सर संभावनाएं बनी रहती हैं। रोगी की मेज पर एक डायरी तथा पेंसिल अवश्य रखी रहना चाहिए, जिससे रोगी की दशा उसी वक्त संक्षेप में लिख सके। इस प्रकार रोगी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर को रोगी की चिकित्सा करने में सहायता मिलेगी। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है बच्चों? कि अगर कोई दुर्घटना घट जाए और डॉक्टर के आने में कुछ विलंब हो, तो प्राथमिक स्तर पर उनको जो रोगी को उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। किसी रोगी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। तो पहले है तापमान के रोगी का तापमान या उसका टेम्परेचर कितना है। दूसरा, रोगी के नाड़ी की गति, उसके श्वास की गति, मलमूत्र, नींद, विश्राम और बेचैनी, उसकी जीभ की दशा, उसका पीड़ा, दर्द या तकलीफ। फिर उसकी त्वचा की स्थिति कैसी है, उसकी त्वचा की अवस्था क्या है, उसके नाखूनों की अवस्था क्या है, रोगी की मानसिक दशा क्या है, उसका भोजन, और रोगी उस समय कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, कौन कौन सी औषधियों का सेवन कर रहा है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हैं जब किसी रोगी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब सबसे पहला है ताप या टेम्परेचर। तो रोगी का ताप दिन में 5 बार नापना चाहिए, क्योंकि रोगी का हर समय ताप एक सा नहीं रहता है। ताप घटता बढ़ता रहता है और ताप नापने का समय निम्नानुसार होना चाहिए: सुबह 6 बजे, 10 बजे और दोपहर के समय 2 बजे, फिर शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। ये हो गया दिन में 5 बार। फिर से सुनिए: सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 10 बजे। दिन में 5 बार रोगी का तापमान लेना चाहिए, किंतु डॉक्टर के आदेश अनुसार इसमें अंतर भी किया जा सकता है। रोगी की स्थिति और डॉक्टर के अनुसार तापमान लेने में कुछ अंतर हो सकता है। परिचारिका या नर्स को रोगी का तापमान नापकर चार्ट में भरना चाहिए। नापकर चार्ट को तापमान चार्ट कहते हैं। इस चार्ट पर एक दृष्टि में डॉक्टर बुखार के उतार चढ़ाव को देखकर रोगी की अवस्था का अनुमान लगा सकता है। फिर चार्ट बनाने की विधि क्या है? तो तैयार चार्ट डॉक्टरी दुकानों पर मिलते हैं। ये छपा छपाया फॉर्मेट आता है प्रिंटेड, जिसको कि आसानी से प्राप्त हो जाता है और चार्ट बनाने में आसानी होती है। इसमें एक ओर के खाने में समय और दूसरे में ताप की डिग्री का चिन्ह लगा होता है। जिस समय जितना ज्वर हो उसे उस बिंदु में दिखलाया जाता है। इन बिंदुओं को रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है। जो रेखा इन बिंदुओं को जोड़ती है उससे ताप का उतार चढ़ाव स्पष्ट हो जाता है। इसी चार्ट में नाड़ी, मलमूत्र आदि के बारे में भरने के भी खाने बने होते हैं। यदि बना बनाया चार्ट ना हो तो चार्ट बनाने का ग्राफ कागज का भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि आपको बाजार से प्रिंट किया हुआ
चार्ट बनाने का फॉर्मेट नहीं मिलता है तो आप सादे ग्राफ पेपर पर भी चार्ट बना सकते हैं। फिर है कि रोगी का तापमान लेते समय कौन कौन सी आवश्यक सावधानियां रखना चाहिए। तो पहला है, थर्मामीटर को बड़ी सावधानी से खोलकर बाहर निकालना चाहिए। दूसरा, थर्मामीटर को प्रयोग करने से पहले उसका तापमान 0 अंश फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए। थर्मामीटर का बल्ब वयस्क रोगी की जीभ के नीचे रखना चाहिए। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनके जीभ के नीचे थर्मामीटर रखकर उनका तापमान लिया जा सकता है। फिर थर्मामीटर बच्चों के मुंह में नहीं लगाना चाहिए, उनके बगल में लगाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, थर्मामीटर कांच का बना होता, अंदर पारा रहता है, पारा नामक धातु रहती है, और अगर बच्चे के मुंह में लगा देंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चा मुंह बंद कर ले और वो टूट जाए। इसलिए सावधानी पूर्वक बच्चों के बगल में थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर को गर्म जल या दूध में नहीं रखना चाहिए और थर्मामीटर के प्रयोग के बाद सदैव धोकर रखना चाहिए। एक बार प्रयोग करने के बाद थर्मामीटर को पानी से धोकर रखना चाहिए। थर्मामीटर में तापमान देखते समय कभी पारे वाले सिरे को नहीं पकड़ते। थर्मामीटर में हमने तापमान ले लिया और जब पकड़ते हैं तो जिस तरह पारा भरा रहता है वो हिस्सा चमकता है, पतला होता, उसको नहीं पकड़ते। और थर्मामीटर में सदैव साफ पानी से धोकर या संक्रमण रहित करके रखते हैं। फिर है नाड़ी देख, नाड़ी देखना तथा नाड़ी दर का मापन एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति 1 मिनट में 72 बार तथा नवजात शिशु की 140 होती है। परंतु ज्वर मतलब बुखार में नाड़ी की गति साधारण स्वस्थ अवस्था से कुछ भिन्न होती है। नाड़ी का स्पंदन कलाई पर उंगुलियां रखकर अनुभव किया जा सकता है। ज्वर की अवस्था में रोगी की निर्बलता आदि के अनुसार नाड़ी की गति तीव्र या मंद हो सकती है। समय समय पर लिखी गई नाड़ी की गति के अंतरों से डॉक्टर दिन भर की रोगी की दशा का अनुमान लगा सकते हैं। सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं में नाड़ी की गति निम्नलिखित होती है। जन्म के समय 136 से 140 धड़कन प्रति मिनट, 3 वर्ष में 100 से 120 धड़कन प्रति मिनट, 6 वर्ष में 90 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 7 से 14 वर्ष में 85 से 90 धड़कन प्रति मिनट और 15 से 21 वर्ष में 75 से 85 धड़कन प्रति मिनट, 21 से ऊपर 65 से 75 धड़कन प्रति मिनट और वृद्धावस्था में 60 से 70 धड़कन प्रति मिनट। श्वसन की गति साधारण स्वस्थ मनुष्य 16 से 17 बार 1 मिनट में सांस लेता है, परंतु रोगी की श्वास की गति में अंतर आ जाता है। ज्वर की दशा में श्वास की गति तेज हो जाती है और रोगी का शरीर शिथिल पड़ जाने से श्वास की गति मंद हो जाती है। गति के अतिरिक्त श्वास क्रिया में भी अंतर आ जाता है। कभी रोगी गहरी सांस लेता है और कभी उसकी सांस जल्दी जल्दी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। परिचारिका में यह समझने की योग्यता होनी चाहिए कि इन अंतरों की रिपोर्ट तैयार करके रखना चाहिए। फिर है मल और मूत्र। रोगी एक दिन में कितनी बार मल त्याग करता है, कैसा करता है, करने में कोई कठिनाई अथवा उसको कोई कष्ट या परेशानी तो नहीं है। इसके अतिरिक्त वह कितनी बार मूत्र कितनी बार आता है, उसका रंग कैसा है, उसमें दुर्गंध तो नहीं आती और इसमें कोई कष्ट तो नहीं होता, मल पतला गाढ़ा कैसा होता है आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सब को रिपोर्ट में लिखकर रखना चाहिए। फिर ये है रोगी की विवरण तालिका, जो अभी हमने देखा और जिसके विषय में पढ़ा कि आप दिनांक, समय, नाड़ी की गति, तापमान, जैसा कि पढ़ा है दिन में 5 बार तापमान लेना चाहिए,
वो कौन कौन सी औषधि ले रहा है और उसका और दशा से उसकी शौच की वमन की और अन्य दशाओं का जो घटनाक्रम है इस तालिका में नोट कर लेते हैं। अब आता है जीभ की दशा। जीभ का रंग उस पर पर्त जमना आदि देखकर लिखना चाहिए। भूख, रोगी को भूख कैसी लगती है, प्यास अधिक लगती है या कम, खाना रोगी रुचि लेकर खाता है या नहीं, यह समस्त बातें लिखकर रखनी चाहिए। और नींद, रोगी को ठीक तरह से नींद आती है या नहीं, वह बराबर सोता है या नहीं, कितनी देर सोता है और दिन में सो पाता है या नहीं, इन सब बातों को भी लिखकर रखना चाहिए। फिर है विश्राम या बेचैनी। रोगी किस प्रकार लेटना चाहता है, उसे किसी तरह की बेचैनी अनुभव तो नहीं होती, इन बातों को लिखकर रखना चाहिए। अब है रोगी का आहार। रोगी का आकार। रोगी के भोजन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रोगी को डॉक्टर के आदेश अनुसार भोजन दिया जाना चाहिए और रोगी को भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उसके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। एक जैसा भोजन देखकर वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसे वह भोजन में स्वाद नहीं आता। अतः परिचारिका या नर्स को चाहिए कि रोगी को साफ और आकर्षक ढंग से खाना दे, जिसे देखकर उसको खाने की इच्छा हो। रोगी को दो प्रकार का भोजन दिया जाता है। पहला है पेय पदार्थ, तरल पदार्थ और कम तलक तरल पदार्थ। फिर है दूसरा हल्के खाद्य पदार्थ, हल्का भोजन और ठोस भोजन। पेय पदार्थ में देखते हैं बच्चे क्या क्या आता है। तो पेय पदार्थ में आते हैं दूध, छाछ, फटे हुए दूध का पानी, अंडे की सफेदी और पानी, दाल का या सब्जी का सूप, चावल का पानी, जौ का पानी, एक एग फिलिप, फलों का रस आदि दिया जा सकता है पेय पदार्थ के रूप में। अब हल्के खाद्य पदार्थ, जिनको सेमी सॉलिड डाइट बोलते हैं, तो जिसमें आता है दलिया, उबले चावल, खिचड़ी बिल्कुल पतली, दूध, सूजी, उबली सब्जियां, दाल, ब्रेड, बिस्किट आदि दी जा सकती हैं और इनमें मसाले एवं घी तेल आदि नहीं डालना चाहिए। हल्के भोजन के बाद रोगी को भोजन दिया जाता है। ठोस भोजन में वे सभी खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं जो सरलता से पच जाएं, परंतु सामान्यतः इसके अंतर्गत हल्की चपाती, उबली हुई सब्जी, मूंग की दाल, आधा उबला अंडा दिए जाते हैं। इसके अलावा भोजन देते समय डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा उचित होता है। अब हल्के भोजन के बाद रोगी को ठोस भोजन दिया जाता है। ठोस भोजन में भी वे सभी खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जो सरलता से पच जाते हैं, परंतु सामान्य इसके अंतर्गत हल्की चपाती, उबली सब्जियां, मूंग की दाल, उबला अंडा और डॉक्टर से परामर्श लेके ये सब दिया जाता है। अब रोगी को भोजन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है रोगी को भोजन के समय पर एवं नियमित रूप से भोजन देना चाहिए। समय पर भोजन न देने पर उसके खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, रोगी को भोजन के लिए सोने से नहीं जगाना चाहिए। अगर रोगी सो रहा है तो कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए और जब रोगी उठेगा तब उसको भोजन देना चाहिए। रोगी के भोजन में साफ बर्तन होना बहुत आवश्यक है। रोगी का भोजन स्वच्छता से पक्का होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए एवं रोगी को गर्म भोजन ही दिया जाना चाहिए। बासी, ठंडी व गरिष्ठ वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए। रोगी के भोजन सजा कर साफ सुथरा देना चाहिए। रोगी का भोजन साफ सफ़ेद धुले कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए। रोगी को एक एक चीज खाने को दी जानी चाहिए, जैसे दूध और डबल रोटी के बाद फल का रस। एक साथ सब कुछ देखकर रोगी घबरा जाएगा, इसलिए उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने देना चाहिए। फिर है प्रत्येक वस्तु अलग अलग रखी होनी चाहिए।
कोई भी वस्तु रखने से पहले कटोरी प्लेट थाली अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। कभी कभी रोगी में अधिक बीमारी के कारण उठने बैठने की शक्ति और ताकत नहीं रहती। ऐसी हालत में रोगी को गर्दन के पीछे हाथ डालकर जरा सा उठाकर सहारा देकर फीडिंग कप द्वारा पेय पदार्थ दिया जा सकता है। फीडिंग कप की टोटी को मुंह से लगाकर पेय पदार्थ पिला देना चाहिए और उस प्याले को भूलकर भी कभी पूरा नहीं भरना चाहिए, आधा भरना चाहिए और रोगी को उसे पिलाना चाहिए। जब रोगी अच्छा होने लगे तो उसे हल्का ठोस भोजन देना चाहिए और जैसे भोजन में सूजी का फुलका या ऊपर का भाग, दाल चावल आदि हल्के पदार्थ देना चाहिए। अब है सब्जियां, दाल, सूप, दलिया, खिचड़ी और जौ का पानी। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन द्वारा ही शक्ति मिलती है और भोजन का मुख्य कार्य वस्तुओं को बनाना और उनकी मरम्मत करना है। शरीर की रक्षा करता है और स्वास्थ्य बनाता है। शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, मतलब शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। कभी कभी मानव शरीर में कोई कमी आ जाती है तो रोगों से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। ऐसी दशा में रोगी को उचित भोजन की आवश्यकता होती है। दूध, रोगी को सदैव ताजा दूध देना चाहिए। एक बार देने के पश्चात दूसरी बार देना हो तो दूध को उबाल कर देना चाहिए। दूध को ढककर रखना चाहिए, ठंडा दूध रोगी को नहीं देना चाहिए। फिर है फटा हुआ दूध। फटा हुआ दूध कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। इसकी सामग्री है दूध, नींबू, कपड़ा, चीनी आदि। विधि, दूध को आग पर रखकर उबालना चाहिए। उबाल शुरू हो जाए तो नींबू की कुछ बूंदें निचोड़ देनी चाहिए। दूध का पानी अलग हो जाएगा। साफ कपड़े से फटे दूध को छान लेते हैं, कांच के गिलास में डाल देते हैं और रोगी की इच्छानुसार उसमें चीनी डाल देते हैं। रोगी को जब दूध नहीं पचता है तब उसे फटा दूध देना चाहिए। फिर है तरकारियों या सब्जियों का सूप। ये भी देखते हैं बच्चों कैसे बनाते हैं। सूप किसी भी सब्जी का बनाया जा सकता है। रोगी के लिए गाजर, तोरी, पालक आदि का सूप तैयार किया जाता है। इसकी आवश्यक सामग्री टमाटर, परवल, चुकंदर, गाजर, पालक, काला नमक, काली मिर्ची, नींबू आदि। सबसे पहले सब्जियों को पानी से अच्छी तरह धोकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 20 मिनट तक उबाल लें। जब सब सब्जियां गल जाएं और नीचे उतार कर छान लेना चाहिए और सब्जी के रस में नमक, काली मिर्च, नींबू स्वादानुसार डाल देना चाहिए और रोगी को इसका सेवन कराना चाहिए। गाजर में विटामिन ए, बी और सी पाए जाते हैं, लौकी में विटामिन ए और सी, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है जो कि रोगी के लिए आवश्यक होता है। अब है दाल का पानी। मूंग की दाल 100 ग्राम, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। मूंग की दाल को अच्छी तरह धो लें और अंदाज से पानी डालकर दाल को पका लें और उसमें नमक डाल लें। दाल के पक जाने के बाद छान लें और दाल के पानी में नींबू, काली मिर्च डालकर रोगी को देना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं। दाल के पानी में घी नहीं डालना चाहिए। फिर टमाटर का सूप भी इसी तरह बना लेते हैं, जो रोगी के लिए बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। फिर है जौ का पानी, जिसको वागले वाटर भी कहते हैं। बाजार में जौ के बंद डिब्बे मिलते हैं। यदि जौ का डिब्बा ना मिले तो जौ को कूट कर उबाल देते हैं। 8 औंस जौ, 50 ग्राम पानी और नमक आदि। विधि, जौ को अच्छी तरह पानी में धोकर 500 ग्राम पानी के साथ उबाल लेते हैं। जब पानी उबल जाए तो पतले कपड़े से छान लें और ठंडा होने पर नमक मिलाकर रोगी को दिया जाता है। इसी तरह खिचड़ी, सामग्री 100 ग्राम मूंग की दाल, 50 ग्राम चावल, भगोना, ढक्कन, नमक, काली मिर्च, दही आदि। दाल चावल को धो लें, दोनों को मिलाकर साफ पानी से धो लें। इसके बाद भगोने में आवश्यकतानुसार पानी उबलने के लिए रख देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। जब खिचड़ी तैयार हो जाए तो आग से उतार लेते हैं।
रोगी को पतली खिचड़ी देना चाहिए, घी का छौंक नहीं देना चाहिए। दलिया, इसी तरह रोगी को दलिया भी दे सकते हैं जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, और रोगी इसको दाल और दूध, जैसा रोगी का मन करे, जैसी रोगी की इच्छा हो, तो दलिया में नमक दाल के साथ और दूध में चीनी डालकर दे सकते हैं। तो इसमें रोगी को दाल में दलिया और नमक और चीनी, दूध और दलिया, मीठा दलिया बनाकर भी रोगी को दिया जा सकता है। इसी तरह साबूदाना कि एक चम्मच साबूदाना, 200 ग्राम पानी, थोड़ा सा दूध और चीनी और भगोना। साबूदाने को पका लिया और उसको चम्मच से हिलाते रहते, जब वो तैयार हो जाए तो उतार कर दूध व चीनी मिलाकर रोगी को दिया जा सकता है। यह कब देते हैं? जब रोगी को पेचिस हो तो पानी में साबूदाना बनाना चाहिए, इस स्थिति में दूध नहीं डालना चाहिए। बच्चों, ये गृह कार्य है कि अपन ने आज जो पाठ पढ़ा, प्राथमिक चिकित्सा, रोगी की देखभाल और तापमान, इससे संबंधित ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे।